Say. Every day's a new day, live it like your last day. It's okay to feel great. Yeah. bye वीडियो में टाटा मुंबई मैराथन के सारे डिटेल्स मैंने शेयर किए हैं यह वीडियो मेनली बीप कलेक्शन डे और रन के दिन आप कैसे जाएंगे क्या क्या करना होता है सारे मैंने डिटेल्स में शेयर किए हैं और रजिस्ट्रेशन कब करना होता है यानी सारे इंफॉर्मेशन अगर आप मैराथन में इंटरेस्टेड हैं और स्पेशली वो टाटा मैराथन है तो यह वीडियो बस आप ही के लिए है मैंने माइन्यू डिटेल्स इसमें शेयर किए हैं टाटा मैराथन के दो दिन पहले बीप कलेक्शन करना होता है किसी भी रन से पहले वो बीप कलेक्शन करना होता है वो एक लोकेशन में ये हर साल करते हैं तो इस साल ये सांता क्रूज में मिर्ची गेट एक्सपो है वहाँ पर बिप कलेक्शन का दिन था तो उसी से मैं वीडियो का शुरुआत कर रही हूँ ये इस एक्सपो एक्सपो में आ, सारे जो है स्पोर्ट्स ब्रांड जो है वो अपना आ, जैसे शॉप आपको डिस्प्ले करते हैं आप वहाँ से भी अपने रन के लिए जो टी शर्ट्स हैं या शूज़ हैं आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं और यहाँ फूड काउंटर भी होता है आपको कुछ खाने के लिए भी यहाँ मिल जाते हैं तो ये देखिए जो आप देख रहे हैं ये बीप कलेक्शन का जो काउंटर्स है ये डिफरेंट काउंटर्स है डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए फाइव किलोमीटर्स टेन किलोमीटर्स ड्रीम रन ट्वेंटी वन किलोमीटर्स फोर्टी टू किलोमीटर्स सीनियर सिटीजन के अलग रन होते हैं हैंडी के अलग रन होते हैं तो डिफरेंट काउंटर्स होते हैं यहाँ से आप अपना बीप कलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको रन डे के लिए कुछ भी चाहिए जैसे जेल है कुछ जो प्रोटीन शेक वगैरह है या शूज़ है या टी शर्ट्स है ये सारे देखिए सब रेपूटेड स्पोर्ट्स ब्रांड यहाँ पर अपना शॉप डिस्प्ले करते हैं जहाँ से अब बेहतरीन चीज़ें आपको मिल जाएंगी और यहाँ बहुत ही फ़न होता है यहाँ सारे जो स्पोर्ट्स एंथोसियस आते हैं तो यहाँ बहुत सारे वॉल्स होते हैं या बहुत सारे जगह होते हैं प्लेसेस बने होते हैं जहाँ आप अपना हार्ट रेट या आप कितना स्पीड में दौड़ सकते हैं ये सब चेक करते हैं तो बहुत ही फन होता है इस एक्सपो में आना इट् इज़ फ़न आप अपने दूसरे जो मैराथनर्स हैं उनसे भी मिलते हैं और सेलिब्रिटी मैराथनर्स जो हैं उनसे भी आप मिल सकते हैं ये जो काउंटर है यहाँ पर आप अगर पहले ईयर के आप अपना बीब नंबर देते हैं तो आपको ये शो करते हैं कि आप अपने कितने रनर फ्रेंड्स से आप कितने पेस से आगे थे सभी और यह गाड़ी जो है लीडिंग कार है यह कार जो है वो मैराथन को लीड करती है एक बहुत ही मतलब क्या बोले चिलिंग एक्सपीरियंस होता है जब आप मैराथन दौड़ते हैं और ये जो वॉल देखिए ये बहुत स्पेशल वॉल वहाँ बना हुआ था जो जो आर्टिस्ट है मैराथनर्स आर्टिस्ट मैराथनर्स हैं वो इस वॉल को शुरू किए हैं और वो वॉल हमें और जो भी मैराथनर्स यहाँ आएंगे वो कलर करके इस वॉल को कंप्लीट कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे एवरीबडी इज़ पुटिंग देयर ओन कलर्स टू मेक दिस वॉल ब्यूटिफुल तो ये वर्ल्ड ऐसा ही है यू पुट योर ओन कलर्स ट योर ओन इमेजिनेशन टू कम्प्लीट इट टू मेक इट कलरफुल तो ये एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है आप देख रहे हैं सभी अपने अपने हिसाब से कलर यहाँ पुट कर रहे हैं और आ, एक बात है जो सभी को एक बॉन्ड बाइंड करती है वो है सभी मैराथनर्स हैं यहाँ पर आ, तो यहाँ मैं बता दूं कि मैं मैराथन डे का जो रन का वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो भी चेक कर सकते हैं मैंने यहाँ हमने यहाँ कुछ शूज़ भी देखे थे तो उसके कुछ क्लिपिंग्स हैं और हाँ इस बात को यहाँ बताना ज़रूरी है अगर आप मैराथन टाटा मैराथन में खास करके पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो एक बात बहुत ज़रूरी है कि इनका रजिस्ट्रेशन बहुत पहले होता है यह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है तो इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो अगस्त या सेप्टेम्बर से चालू हो जाता है और जो मतलब टेन किलोमीटर्स और ट्वेंटी वन किलोमीटर्स के लिए रजिस्ट्रेशन होता है क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज में अलग अलग रजिस्ट्रेशन होते हैं करीब थाउजेंड रुपीस आपको पे करना होता है और इनके जो रजिस्ट्रेशन टेन और ट्वेंटी वन के लिए है बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं तो अगर आप रनिंग uh, के लिए सोच रहे हैं अगले मैराथन में ट्वेंटी में तो मेक इट अ पॉइंट टू रजिस्टर अर्ली टू गेट इन दिस मैराथन मैं डिफ़रेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो और जो आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट शॉप्स है वो यहाँ यहाँ तो फिलहाल जो है कोकोनट वाटर का जो ड्रिंक है वो सर्व कर रहे थे तो बहुत सारे अपने जो फ्री में अपने प्रोडक्ट्स भी सर्व करते हैं और ये जो फिलहाल हम बैठे हैं थोड़ा सा स्नैक्स करने के लिए तो स्नैक्स के काउंटर भी यहाँ है आपको मैंने शुरू में ही बताया था तो फ़िलहाल फिलहाल जो हमारा बीप कलेक्शन का पार्ट था और हाँ अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कुछ गलत हो गया है तो वो भी आप यहीं पर करेक्ट करवा सकते हैं ये बात भी मैं बता दूँ तो फिलहाल हमारा रजिस्ट्रेशन सॉरी बीप कलेक्शन जो है वो हो चुका है अब हमारे घर जाने की बारी है तो मैंने अपना जो डिटेल्स में व्लॉग रनिंग डे का शेयर किया है लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं बताना चाहूँगी वो मैं इसलिए इस आ, वीडियो में भी मैं बता, बता रही हूं आपको कि, कि रनर्स के लिए टाटा मैराथन है ए, ए, एशिया का बिगेस्ट मैराथन है यहां करीब 55,000 इस बार पार्टिसिपेट किए हैं एंड हर साल इट इज़ ग्रोइंग इट इज सो मच फन की दूर दूर से भी लोग आते हैं यहाँ स्टे करने के लिए तो यूजुअली ये रन संडे को होता है तो सैटरडे होता है आउट स्टेशन कैंडिडेट्स के लिए बीप कलेक्शन डे और जो लोकल के लिए होता है वो थर्सडे फ्राइडे आप कलेक्ट कर सकते हैं इट इज़ इजियर फॉर देम टू मैनेज क्योंकि बहुत ही रश होता है आप इमेजिन कर सकते हैं अब फिफ्टी थाउजेंड लोग कलेक्ट करते हैं और एक इंफॉर्मेशन जो है आ, मैं बता दूं कि आप कहीं से भी मुंबई में लोकल ट्रेन सुबह तीन बजे यहां से आ, मिलती है ये स्पेशल सर्विस होती है मैराथनर्स के लिए तो मतलब कि मैं क्या बताऊँ ये इतना हेल्प होता है दूर दूर से जैसे पनवेल से कल्याण से विरार से सभी लोग आ, लोकल ट्रेन में ही आते हैं सीएसटी जो पॉइंट होता है हर साल यहीं से मैराथन शुरू हो शुरू होता है तो सीएसटी में ही आ, हर ट्रेन हर जगह से आती है सुबह तीन बजे तीन दस की टाइम होती है जो साढ़े चार बजे तक आप देख सकते हैं हम उस दिन साढ़े चार बजे पहुँचे साढ़े चार बजे सी में पहुँचा देती है और ये रन शुरू होती है आज़ाद मैदान से डिफरेंट टाइमिंग है डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए स्टार्टिंग uh, टाइम 42 किलोमीटर्स के लिए सवा पाँच बजे होती है और आपको चेयर अप करने के लिए आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स होते रहते हैं uh, सभी लोग आपको चेयर करने के लिए गाना गाते हैं डांस करते, है, करते हैं भांगड़ा करते हैं व्हाट नॉट आप जस्ट यू विल एन्जॉय इट एक बार आप पार्टिसिपेट करके देखिए और जो व्यू आपको मिलेगा दौड़ते हुए अरेबियन सी का व्यू वो वो तो मतलब अलग ही एक गिफ्ट है जैसे लगता है पूरा मुंबई शहर आ गया है आपको चेयर अप करने के लिए तो ये कुछ जो क्लिपिंग्स है मैं जस्ट रन डे का कुछ क्लिपिंग्स मैं ऐड कर रही हूँ और ये जो आप देख रहे हैं ये सीलिंग का है ये आप अगर 21 या 42 किलोमीटर्स रन कर रहे हैं तो ही आपको सीलिंग का व्यू मिल मिलेगा और उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करना होता है और टेन किलोमीटर्स में आप मरीन ड्राइव पर ही रन करते हैं और ये बीच बीच में आपको कुछ भी बिस्किट्स है कैडबेरीज है एनर्जी ड्रिंक्स हैं सभी आपको देते रहते हैं पानी के बॉटल्स भी एवरी किलोमीटर में आपको दे रहे हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है ये सब कैरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है तो देखिए आप व्यू को एंजॉय करते हुए रन कीजिए और एक बार ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए मैंने कोशिश की कि आपको जितना भी इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में मैंने देने की कोशिश की अगर मेरे कुछ भी पॉइंट्स मिस हो गए हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जस्ट Uh, कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं मैं आपको आपके हर क्वेरीज का रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ तो ये रहा फिनिश लाइन हम पहुँच चुके हैं फिर मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में